प्लांट म्यूसिलेज होता है वो क्या करता है, हार्ड सॉइल को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। अब ये जो सेल डिवीजन पार्ट है उसको हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमिक पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कवर्ड बाय रूट कैप, वन एम एम इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वन एम एम होती है, इसके पास में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है 2 elongation zone. सेल डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है, जब उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी डिग्रेड हो जाती है, तो वो सेल्स क्या हो जाती है, इलोंगेशन पार्ट में चली जाती है। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड दिस जोन इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड मेरिस्टेमिक पार्ट ऑफ रूट। सेल लॉस्ट देयर डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज अंडरगोज टू इलोंगेशन। जो सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देती है, जिसमें कोई चेंज नहीं होना होता है, वो क्या होगा, इलोंगेशन पार्ट में जाएगी। दीज सेल्स आर्थिक यूज टू इलोंगेट रूट, ठीक है। रूट के इलोंगेशन में मदद करेगा ये, और ये सेल्स मोटी हो जाती है क्योंकि इनका जो भी डिवाइडिंग कैपेसिटी थी वो नष्ट हो जाती है, और they have no change in their structure। और जो elongation की cells होगी वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उनके structure में कोई भी change नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो work है वो complete हो चुका है, उनकी जो capacity थी dividing की वो complete हो चुका है। अब बस उनका function क्या है, elongate root को elongate रखना, इसीलिए वो जोन ऑफ इलोंगेशन में कोई चेंज नहीं करती है।
फोर्थ रूट हेयर, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है और किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स, रूट सेल्स, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 to 6 सेंटीमीटर. हेल्प टू एक्सपोज सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स. ठीक है, रूट रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर एक रूट है वो सिंगल ऐसे ग्रो कर रही है तो वो सिर्फ इसी आसपास के एरिया से ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन अगर उसके हेयर्स इस तरीके से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसके लिए इतना सारा एरिया है जहां से वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो इसीलिए ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. जोन ऑफ मैच्योरेशन मतलब ऐसी सेल्स जो कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है वो कभी भी कोई भी चेंज के लिए नहीं जाती है, दे नेवर अंडरगोज एनी चेंज अंटिल देयर डेथ. जब तक कि रूट सिस्टम की डेथ नहीं होती, प्लांट की डेथ नहीं होती, उनका मैच्योरेशन सिस्टम की वे डेथ नहीं होती है.
अगर हम रूट का मैच्योर स्ट्रक्चर देखें या उसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें कि उसमें सेल किस तरीके की होती है, उसमें सेल कैसे डेवलप होती है, ये रूट कैप की सेल्स है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, ये रूट का वो हिस्सा है जो सेल डिवीजन करता है, एपिकल मेरिस्टेम वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेल्स है ये डिफरेंट तरीके की सेल्स है जो डेवलपमेंट कर रही है, डिवीजन कर रही है और डिवाइड होके आगे से आगे उसके एलोंगेशन और मैचुरेशन में मदद कर रही है। इसी तरीके से इन्हीं सेल्स की डिवीजन की वजह से ये फर्स्ट ट्यूबुल जो है वो डेवलप हुई है, उसके बाद में एंडोडर्मिस का डिफरेंशिएशन चल रहा है, साथ ही उसमें वेसल्स ट्यूब्यूल्स भी डेवलप हो रही है। ये जो सेल्स है ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअस ग्रो करती जा रही है, डिवीजन करती जा रही है और एक स्टेज पर जाकर एक ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वहां पे जाकर ये मैच्योरिटी लेवल पे आती है और जब मैच्योरिटी लेवल पे आती है तो इनका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर हो जाता है। एक रूट है, रूट के ऊपर क्या रहेगी, डर्मिस रहेगी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मिस। तो इस तरीके से ये रूट एंडोडर्मिस कहां से बनाएगी, मेसोडर्मिस कहां से बनाएगी, जो इसकी डिवाइडिंग सेल्स है उन्हीं में से इसके अंदर वैक्यूल्स बनेंगे तो वो कहां से बनेंगे, जाइलम फ्लोएम बनेंगे वो कहां से बनेंगे, वो सब भी इसकी डिवाइडिंग सेल्स से ही बनेंगे। जैसे जैसे ये सेल्स में डिवाइड होता रहेगा डिफरेंट तरीके की सेल्स डिफरेंशिएट होती रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रूट के बनते रहेंगे।